हेलो फ्रेंड्स, आपका कविता महेंद्रु कविता वाटिका में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और आज मेरा देखिए 8th वीडियो है। मैं कैरेट आज मैं ये मैं कैरेट के विषय में आज बताऊंगी। ये कैरेट के जो सीड है, मैं नवंबर को मैंने ये बीज इसमें डाले थे। ये देखिए, ये पौधे निकले हैं, इनको शिफ्ट करना है, इसको मैंने शिफ्ट किया है। और ये देखिए, मैंने मिट्टी बनाई है, यही वही बेस मटेरियल मेरी खाद है। घर का किचन का जो कूड़ा है वेस्ट मटेरियल और मिट्टी है और बर्मी खाद, मैंने इसका यूज़ किया है। तो ऑर्गेनिक होगी, घर का है, फ्रेश होगा, घर के वेजिटेबल्स हो या कुछ हो, घर की बात ही अलग है। ऑर्गेनिक होती है, फ्रेश होगी, टेस्ट भी बेस्ट होगा, है ना। और प्लांट लगे हुए तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, खुशी भी मिलती है घर पे लगा हुआ प्लांट। तो ये मैं इसको इसमें शिफ्ट करूँगी। ये मैंने मेरा ये गमलों की तो है प्रॉब्लम, तो मैंने ये ऐसे ही फ्रूट वाली बास्केट है उस पर मैंने पॉलीथीन और ये रैप किया हुआ है, इसमें मिट्टी डाली है, इसी में प्लांट शिफ्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें से शिफ्ट किया है ये बास्केट में, फिर मैंने ग्रो बैग में भी लगा दिया है। ये देखिए, मेरी तो स्मॉल वाटिका है, मैंने एक ज़मीन में लगाई है, किचन गार्डन हो, मुझे तो शौक़ है, फिर भी मैंने ग्रो बैग में, और ज़मीन की तो बात ही अलग होती है, मैंने बास्केट में और ये गमले में लगाई है गाजर। ये मेरा 8th वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट्स दीजिए प्लीज़। ये मैंने 8th वीडियो, गाजर के प्लांट्स मैंने नवंबर में ही लगाए थे, अब ये आज मैंने शिफ्ट किया है इसे। जब इसके बड़े प्लांट्स होंगे तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो फिर बना के दूंगी कि मेरी गाजर कितनी बड़ी हुई है। ये स्मॉल माई वाटिका, छोटी सी वाटिका है। ये ग्रो बैग। थैंक्स ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, कविता महेंद्रू एंड कविता वाटिका में आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ये वीडियो देखा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।